हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लेक्चर का यूनिट 1 से सेंसिटिविटी। ये जो टॉपिक है वो हमारे प्रीवियस लेक्चर से कंटिन्यूएशन में है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि साइकोफिजिक्स किसे कहते हैं, साइकोफिजिक्स का इतिहास क्या था और साइकोफिजिक्स का सिद्धांत क्या था, इसका भी हमने अवलोकन किया। इसी अध्याय के कंटिन्यूएशन में आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी। मनोभौतिकी की समस्याएं जो हैं, जो हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे, उसको समझने के लिए पहले विद्यार्थियों हमें जो इसमें बेसिक टर्म है सेंसिटिविटी या संवेदनशीलता, उसका अध्ययन करना होगा। संवेदनशीलता विद्यार्थियों, सेंसेशंस हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सेंसेशंस से तात्पर्य है, या संवेदन से तात्पर्य है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम उद्दीपक ऊर्जा को पहचानते हैं, या हम कह सकते हैं सेंसेशन वह प्रोसेस है जिससे हम स्टिमुलस जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसको डिटेक्ट करते हैं या पहचानते हैं। तो सेंसिटिविटी या संवेदनशीलता क्या है? संवेदनशीलता वह तीव्रता है जिससे कि हम डिटेक्ट कर पाते हैं किसी भी उद्दीपक की उपस्थिति। ये सेंसिटिविटी वह शार्पनेस है, वह तीव्रता है विद विच वी कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द स्टिमुलाई इन आवर एनवायरनमेंट। या साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं यह वह कैपेसिटी है या आपकी क्षमता है जो आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए, रिएक्ट करने के लिए या प्रतिक्रिया करने के लिए हेल्प करती है जो भी ऑब्जेक्ट या वस्तुएं आपके आसपास हैं। तो हम प्रतिक्रिया किसी भी उद्दीपक के प्रति तब देते हैं जब हम उसे पहचान लेते हैं, और वह किसी भी रूप में हो सकता है। वो इक्वालिटी के रूप में भी हो सकता है। इक्वालिटी या समानता का तात्पर्य है जब आपको कोई दो चीज़ें एक जैसी हो और एक जैसी लगे, या आप उन्हें एक जैसा फील करें, या आप ऐसी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं जिसमें आप दो चीज़ों में या दो से ज़्यादा चीज़ों में डिफरेंस देखते हैं या डिफरेंस का रिस्पॉन्स देते हैं, डिफरेंस की प्रतिक्रिया देते हैं। और मनोभौतिकी में किस प्रकार दो स्टिमुलाई या दो उद्दीपकों के बीच या दो से ज़्यादा उद्दीपकों के बीच हम विभेदन या डिस्क्रिमिनेशन कर पाते हैं, इसका भी अध्ययन किया जाता है। और जो डिस्क्रिमिनेशन या विभेदन है उद्दीपक या उद्दीपकों के बीच में, वो डिपेंड करता है कई फैक्टर्स पर, जैसे
पहला फैक्टर है कैपेसिटी। कैपेसिटी या आपकी क्षमता ज्ञानेंद्रियों की। जैसे अगर कोई व्यक्ति चश्मा लगाता है और उसकी उसको हम कोई चीज़ दूर से दिखाते हैं, तो वो व्यक्ति दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस दूरी पर नहीं कर पाएगा, क्योंकि दूरी पर यदि उसे स्पेक्स नहीं मिलेंगे तो वो दूरी होने के कारण बिना स्पेक्स के उन दो चीज़ों में जो हमने उसके सामने प्रेजेंट की है, जो दूर है, उन दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ आपके सेंसरी ऑर्गन्स या जो ज्ञानेंद्रिया है उनकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, उनकी क्षमता पर डिपेंड करता है कि आप दो चीज़ों में विभेद कर पाएंगे कि नहीं। तो ये एक फैक्टर है जो इफ़ेक्ट करता है कि आप किस प्रकार दो चीज़ों में डिफरेंस कर पाते हैं। इसी में यदि अगर व्यक्ति की आंखें सही है तो एक पर्टिकुलर दूरी पर उसे दो चीज़ों में डिस्क्रिमिनेशन करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। सेंसिटिविटी डिपेंड करती है इंटेंसिटी पर भी, तीव्रता पर भी। अगर उद्दीपक की तीव्रता कम है और कोई इमेज आपको साफ दिखाई नहीं दे रही है, तब भी आप जो है दो चीज़ों में विभेदन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएंगे। जैसे यदि किसी फोटो में आपको दो कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम किसी जंगल की फ़ोटो दिखाकर और उसको धुंधली कर उसमें आपको कहें कि आपको दो एनिमल्स ढूंढने हैं, तो कई बार अगर इमेज साफ सुथरी नहीं होगी तो आपको दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ उद्दीपक की जो इंटेंसिटी है वो भी डिस्क्रिमिनेशन या विभेदन में आपको डिफिकल्टी उत्पन्न करेगी। तो आपने देखा कि कई सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जो आपकी सेंसिटिविटी को इफ़ेक्ट करते हैं, जिसमें हमने कैपेसिटी और इंटेंसिटी जो है उद्दीपक की उसके बारे में अभी अध्ययन किया। तो साइकोफिजिक्स में हमने सेंसिटिविटी का अध्ययन किया है। इस अध्याय को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।